Hello students, we are providing St. Angel online classes as we are working from home. Today I will discuss class 12 chemistry chapter 13 and today topic is chemical properties of amines. In previous video already we have discussed different chemical properties of amines like alkylation of amines, acylation of amines, carbyl amine reactions, and now I will discuss here the reaction of amines with nitrous acid. In this video I will discuss here the reaction with nitrous acid. Means हम क्या देखेंगे यहाँ पर कि amines जो है वो nitrous acid के साथ कैसे react करता है. Nitrous acid जैसा कि तुम formula जानते ही हो, ये क्या होता है, HNO2 होता है. इसको हम क्या कहते हैं, nitrous acid. तो देखो nitrous acid क्या होता है, ये तो आपको aliphatic और aromatic में two different reaction देता है. जब हम एलिफैटिक के साथ रिएक्शन कराते हैं नाइट्रस एसिड का एट 273 केल्विन टू 278 केल्विन टेम्परेचर पर इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो ये क्या देता है आपको, एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट. इट विल गिव द एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट प्लस वाटर. क्या निकलता है, वाटर एज ए बाय प्रोडक्ट यहाँ निकल जाता है. तो इसको कहते हैं एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट एंड दिस एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट आर अनस्टेबल. जितना भी एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट होता है वो एलिफैटिक डाइजोनियम सॉल्ट जो होता है वो क्या होता है आपका, अनस्टेबल होता है और वो वाटर के साथ रिएक्ट करके आपको क्या बना देता है, अल्कोहल बना देता है और N2 गैस एंड HCl बाहर निकल जाता है एज ए बाय प्रोडक्ट. लेकिन जब यही आपका क्या होता है, एरोमेटिक एमाइन के साथ जब हम HNO2 का रिएक्शन कराते हैं एट 273 केल्विन टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ HCl, इट गिव द वॉट, एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट एंड एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट आर स्टेबल. ये क्या होता है कि स्टेबल होता है. अब क्वेश्चन उठता है कि ये स्टेबल होता क्यों है, तो इसके पीछे रीजन क्या है कि जो आपका एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट होता है इसमें रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है. रेजोनेंस के चलते क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इसका जो चार्ज है वो डिलोकलाइज हो जाता है रेजोनेंस में. यही कारण है कि जो एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट है ये स्टेबल है और जो एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट है वो क्या है आपका, अनस्टेबल. एलिफैटिक डाइजोनियम सॉल्ट को हम अनस्टेबल कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, हम स्टेबल कहते हैं. अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो क्या है, रिएक्शन ऑफ एमाइंस विथ बेंजाइल सल्फोनाइल क्लोराइड. यह क्या है, एक रिएजेंट है. यदि इस रिएजेंट को देखें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H5SO2Cl. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस कंपाउंड को हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं. ये बेंजीन हो गया आपका और बेंजीन से SO डबल बॉन्ड OSO यहाँ Cl जुड़ा हुआ है, तो दोनों सेम चीज़ है. ऐसे स्ट्रक्चरली हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं. और ये जो रिएजेंट है इसको हम क्या कहते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट भी कहते हैं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हिंसबर्ग रिएजेंट. अब इसकी अपनी एक प्रॉपर्टीज होती है, यदि इसकी प्रॉपर्टीज को आप देखो तो ये क्या होता है आपको, हिंसबर्ग रिएजेंट ये प्राइमरी सेकेंडरी एमाइंस के साथ ये रिएक्ट करता है. प्राइमरी एमाइंस के साथ भी रिएक्ट करेगा, सेकेंडरी एमाइंस के साथ भी ये रिएक्ट करता है लेकिन ये आपका टर्शियरी एमाइन के साथ रिएक्शन नहीं करता है, उसके साथ ये रिएक्शन नहीं देता है. इसलिए इस रिएजेंट का हम यूज करते हैं कहाँ पर, तो डिस्टिंग्विश करने में. इसका यूज करते हैं कहाँ, डिस्टिंग्विश करने में. प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी एमाइन को यदि डिस्टिंग्विश करना हो तो वहाँ पर हम इसको यूज कर सकते हैं. जैसे कि आप जानते हो कार्बाइल एमाइन रिएक्शन को भी हम यूज करते हैं डिस्टिंग्विश करने में, उसी तरह से हिंसबर्ग रिएजेंट का. तो पहले इसमें हम देखते हैं रिएक्शन विद, क्या लिखेंगे, रिएक्शन ऑफ बेंजाइल सल्फोनाइल क्लोराइड विथ किसके साथ, किसके साथ रिएक्शन दिखाना है, प्राइमरी एमाइन के साथ. तो जो प्राइमरी एमाइंस है जैसे कि आप जानते हो RnH2, ये क्या है, ये प्राइमरी एमाइंस है, 1 डिग्री एमाइंस है. यदि इसका रिएक्शन हम क्या कर दें, बेंजाइल सल्फोनाइल क्लोराइड से कर दें, तो बेंजाइल सल्फोनाइल क्लोराइड को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या है यहाँ पर, तो ये Cl है, यहाँ S है, डबल बॉन्ड O है, यहाँ भी डबल बॉन्ड O है और यहाँ से क्या जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है.
तो क्या होगा कि इसका एक H और इसका Cl बाहर निकल जाएगा और आपस में ये मॉलिक्यूल्स जुड़ जाएगा आपका, तो ये कंपाउंड बनेगा RnH। यहाँ क्या हो जाएगा RnH, एक H निकल गया NH और ये क्या रह जाएगा S डबल बॉन्ड O और इसके साथ बेंजीन रिंग आ जाएगा, ये बेंजीन रिंग आ गया, प्लस क्या बनेगा और क्या निकल जाएगा आपका HCl, ये बाय प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा। ये जो कंपाउंड होगा, ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड को हम क्या नेमिंग करेंगे, इसका नेम क्या होगा, तो देखो N के साथ क्या जुड़ा हुआ है, एल्काइल जुड़ा हुआ है, तो हम लिखेंगे N एल्काइल, क्या लिखेंगे N एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, क्या कहेंगे N एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड कहेंगे, N एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। और ये जो कंपाउंड होगा ये क्या होगा, सोल्युबल इन अल्कली, दिस कंपाउंड इज सोल्युबल इन अल्कली, ये क्या होता है, ये सोल्युबल होता है किसमें, अल्कली में। अब आप देखो इसका एक और हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज करो कि हमने क्या किया CH3NH2 मिथाइल एमाइन का रिएक्शन करा दिया, किससे, बेंजाइल सल्फोनाइल क्लोराइड से, तो Cl हो जाएगा S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ये बेंजीन रिंग को हम ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5, बेंजीन रिंग नहीं ड्रॉ करके, और क्या हो जाएगा इसका H और इसका Cl बाहर निकल जाएगा, तो क्या जुड़ जाएगा ये कंपाउंड CH3 और ये NH हो जाएगा क्योंकि इससे एक H निकल गया और क्या आ गया S डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O और इससे क्या आ गया C6H5 प्लस HCl, ये बाय प्रोडक्ट निकल गया। अब इसका नेमिंग क्या करेंगे, इस कंपाउंड का भी नेमिंग करना हो तो N से क्या जुड़ा हुआ, मिथाइल, तो क्या हो जाएगा ये N मिथाइल, इसको क्या कहेंगे हम N मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, बेंजीन सल्फोनामाइड कहेंगे, इसको बेंजीन सल्फोनामाइड कहेंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसका सेकंड जो है आपका वो क्या है, सेकेंडरी के साथ रिएक्शन करा देते हैं, रिएक्शन विद, ये था प्राइमरी के साथ और सेकेंडरी के साथ यदि रिएक्शन करा दें तो रिएक्शन विद 2° amine, टू डिग्री एमाइन, जैसा कि आप जानते हो कि यदि हम R2NH ले लें तो ये 2° amine कहलाएगा, और इसका रिएक्शन यदि हम इससे करा दें तो Cl S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O होगा यहाँ पर और यहाँ से क्या होगा H, सॉरी बेंजीन रिंग इस तरह से बनेगा, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या बन जाएगा आपका R2N हो गया, H और Cl निकल गया यहाँ पर, फिर S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और ये बेंजीन रिंग आ गया, बेंजीन रिंग। तो इसका ये क्या होगा, ये जो कंपाउंड होगा इनसोल्युबल इन अल्कली, ये क्या हो जाएगा इनसोल्युबल इन अल्कली, ये क्या है इनसोल्युबल इन अल्कली है। और अब देखें तो इसका यदि नेमिंग करना हो तो नेमिंग क्या करोगे, तो N से दो R जुड़ा हुआ है तो क्या लिखेंगे N कोमा N डाई N कोमा N डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, सिंपल नेम है, क्या हो जाएगा सल्फोनामाइड हो जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे N कोमा N डाइल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड हो जाएगा, और ये कंपाउंड क्या होगा इनसोल्युबल इन अल्कली, इसको क्या कहेंगे इनसोल्युबल इन अल्कली। नेक्स्ट आप देखो एक और एग्जांपल अभी मिले इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल यदि हमने रिएक्शन करा दिया, सपोज करो कि CH3 का होल ट्वाइस NH, तो ये क्या कहलाएगा 2° इसको क्या कहेंगे 2° amine है ये, और इस 2° amine का यदि हम रिएक्शन कराते हैं तो किससे, ये रिएक्शन कराना पड़ेगा Cl S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या है बेंजीन रिंग, इसको हम हिंसबर्ग रिएजेंट भी कहते हैं, इससे यदि रिएक्शन कराएंगे तो इसका H और इसका Cl बाहर निकल जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा CH3 यहाँ पर N और इससे एक और CH3 जुड़ा हुआ, इसको ओपन करके हमने लिख दिया, यहाँ से क्या हुआ S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और फिर यहाँ से बेंजीन रिंग, ये क्या होगा ये जो कंपाउंड होगा वो इनसोल्युबल इन अल्कली होगा। अब इस कंपाउंड का यदि नेमिंग करना हो तो आप क्या करोगे N कोमा N डाई मिथाइल, क्या कहेंगे डाई मिथाइल
और इसको हम क्या कहेंगे, बेंजीन सल्फोनामाइड, क्या कहेंगे, बेंजीन सल्फोनामाइड कहेंगे इसको, बेंजीन सल्फोनामाइड। और ये कंपाउंड क्या होगा, इनसोल्युबल इन अल्कली, इनसोल्युबल इन अल्कली, ये इनसोल्युबल इन अल्कली हो जाएगा कंपाउंड, ये जो कंपाउंड है इनसोल्युबल इन अल्कली। तो क्या होता है, अब देखें यदि हम रिएक्शन 3 डिग्री एमाइंस के साथ यदि हम रिएक्शन कराते हैं तो इसमें क्या होगा, 3 डिग्री के साथ ये रिएक्शन नहीं देगा, मीन्स हिंसबर्ग रिएजेंट, या हम कह सकते हैं कि बेंजीन सल्फोनामाइड, सॉरी बेंजाइल सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजाइल सल्फोनाइल क्लोराइड डज नॉट रिएक्ट विथ व्हाट, 3 डिग्री एमाइन। क्यों, क्योंकि 3 डिग्री एमाइन के साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं होता है, एन के साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं होता है जो रिप्लेस हो सके, क्योंकि 3 डिग्री एमाइन जब हम लेंगे तो क्या लिखेंगे, थ्री आर थ्री एन, और इसके साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे इसका, तो आप देखो क्या होगा, इसके लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, इस सीएल को हटाने के लिए कोई हाइड्रोजन होना चाहिए जो पोलर हो, मीन्स यहाँ पर रिप्लेस होने के लिए एमाइंस के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन है वो क्या है, नॉन पोलर है। तो ये इसीलिए क्या होता है, कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होने के चलते 3 डिग्री एमाइन ये रिएक्शन नहीं देता है। तो इसको हम कहाँ यूज करते हैं, इस रिएक्शन को हम यूज करते हैं टू डिस्टिंग्विश द प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी के साथ क्या दे रहा है, ये प्रोडक्ट दे रहा है, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, वो होगा सोल्युबल इन अल्कली। यदि आप अल्कली डाल देते हो जैसे NaOH या KOH सॉल्यूशन में डाल दोगे तो क्या होगा, वो आसानी से डिजॉल्व कर जाएगा। लेकिन वहीं पर जब यदि ये 2 डिग्री होगा, 2 डिग्री एमाइंस के साथ यदि ये रिएक्शन कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो प्रोडक्ट होगा यदि उसमें अल्कली डालते हैं तो वो क्या होगा, इनसोल्युबल प्रोडक्ट देगा, मतलब वो डिजॉल्व ही नहीं करेगा, PPT के फॉर्म में रहेगा। और 3 डिग्री में क्या होगा, कोई रिएक्शन ही नहीं देगा आपको, इस तरह का कोई रिएक्शन होगा ही नहीं। तो हम आसानी से इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी फॉर्म में। थैंक यू।